एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास से पूरे देश में मनाया जाएगा। क्या पूजा विधि है, क्या शुभ मुहूर्त है, पिछले वीडियो में मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दे चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और जानें पूरी जानकारी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगी कि आप अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से शिवलिंग का किस तरह से अभिषेक करें, कौन सी ऐसी चीजें यूज करें अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से, ताकि भोले भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हो और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि शिव अभिषेक प्रिय है, अर्थात कल्याणकारी शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। आपने देखा ही होगा, जहां पर भी मंदिर होते हैं तो जलधारा सदा उनके प्रभावित रहती है, कभी भी वह सुखी नहीं रहते हैं। दोस्तों, शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने से सभी देवी देवताओं के अभिषेक का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो महज एक लोटा गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि शिवलिंग पर कोई ऐसी चीजें भी चढ़ाई जाती है मनोकामनाओं के हिसाब से, जिससे हमारी जीवन की जो भी असीम इच्छा है वह जल्दी से ही पूरी हो जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, किस तरीके से आपको अभिषेक करना चाहिए अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से। यदि विवाह में बहुत अधिक अड़चन आ रही है, आपके विवाह में देरी हो रही है, आपकी उम्र हो चुकी है लेकिन फिर भी अच्छे रिश्ते आपके लिए नहीं आ रहे हैं, तो इस शिवरात्रि आप गन्ने के रस से अभिषेक अवश्य करें। पूरी विधि विधान से आप पूजा अर्चना करें लेकिन गन्ने का रस आप अपनी पूजा में अवश्य सम्मिलित करें, या फिर केसर के से मिश्रित जल से अभिषेक करें, या दूध में केसर डालकर आप अभिषेक करेंगे तो विवाह से संबंधित जितने भी अड़चने हैं वह दूर होगी, शीघ्र विवाह होने के योग बनेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन से यदि कोई भी समस्या है, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कलह है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, तो वह भी इस प्रयोग को अपना सकते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवन में आने वाली सभी अड़चने दूर होगी भोले भगवान की कृपा से। दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप कर्ज के बहुत अधिक शिकार हो गए हैं, आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान हैं, तो इस शिवरात्रि आप शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। शहद से शिवलिंग से अभिषेक करने मात्र से ही आपके कर्ज उतर जाएंगे, धीरे धीरे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, सभी पापों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों, तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें, आप व्रत करें, शुभ मुहूर्त में पूजा करें, लेकिन शहद आप अपनी पूजा सामग्री में अवश्य सम्मिलित करें। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। दोस्तों, इसी प्रकार से आप बहुत अधिक स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, तो इस शिवरात्रि के दिन आप दूध से अभिषेक करें, उसमें काले तिल डालकर अभिषेक करेंगे तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्या है वह धीरे धीरे आपकी दूर होगी और आप अपने आप को बहुत अधिक स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, और संतान सुख की प्राप्ति भी इस उपाय से होती है। यदि अभी तक आपके संतान सुख नहीं है, आप बहुत अधिक परेशान हो गए हैं, शादी को बहुत अधिक समय हो गया है लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब भी आप दूध से अभिषेक करके उसमें काले तिल मिलाकर के भी अभिषेक करेंगे तो आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी अवश्य मनोकामना सुनेंगे और आपको मनचाहा रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो गाय के घी से अभिषेक करना ना भूले। दोस्तों, शिव के आशीर्वाद से आपको धन संबंधित जो भी परेशानी है वह अवश्य दूर होगी। दोस्तों, यदि शत्रु पक्ष आपके ऊपर बहुत हावी है, आप दूसरों से बहुत अधिक परेशान हैं, तो सरसों के तेल से इस शिवरात्रि आप अभिषेक करना ना भूले। दोस्तों, शिवलिंग का आप सरसों के तेल से अभिषेक करेंगे तो अवश्य ही शत्रुओं का नाश होगा और आप अपने जीवन में सुखद जीवन पाएंगे। दोस्तों, और यदि आपके ऊपर शनि की अढ़ैया है, शनि का प्रकोप है, आपकी कुंडली में यदि शनि मारक ग्रह है तो भी आप सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो शनि ग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, और एक शमी का पौधा आता है, उसकी पत्तियां भी यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे इस शिवरात्रि तो अवश्य शनिदेव से आपको अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होंगे। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में एक ऐसी समस्याएं आ जाती है जिसका हमें निदान नहीं प्राप्त होता है, तो हमें ईश्वर की शरण में अवश्य जाना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, पूरी श्रद्धा और विश्वास से
उपाय करने चाहिए। भगवान हमारी अवश्य सुनते हैं, कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। इस शिवरात्रि पर आप इन चीजों का यदि ध्यान रखेंगे, अभिषेक करेंगे, तो भोले बाबा आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करेंगे दोस्तों। और आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या है तो आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा भी ले सकते हैं, आप अपनी कुंडली एनालिसिस भी करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं दोस्तों। आप कम्युनिटी में जाकर भी देख सकते हैं, बहुत से लोगों का मेरे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि मैडम आपने जो बताया है वह बिल्कुल सही निकला है, मुझे जॉब ही अच्छे ऑफर्स प्राप्त हुए हैं, या फिर आर्थिक तंगी से मैं परेशान था तो उसमें मुझे निजात प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में जो उपाय बताए जाते हैं यदि आप करते हैं तो उससे 101% आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगता है, आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूले दोस्तों, इसे लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि शिवरात्रि के दिन वह भी इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन की हर समस्या से निदान प्राप्त कर सके दोस्तों। और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।